ओके, मई की बात करेंगे आपके साथ। मई करंट अफेयर्स में क्या है? ज़्यादा खबरें नहीं है मई में करने के लिए। ओके, पहला लिखेंगे मई से, वन स्टॉप सेंटर, वन लाइन लिखेंगे, वन स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप सेंटर। याद रखिए, बनाए जाते हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए। स्पॉन्सर करता है इसको निर्भया फंड। लिख लीजिए स्पीड मेरा, वन स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप सेंटर, महिला बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड द्वारा बनाए जाते हैं। स्पॉन्सर्ड होता है इसको निर्भया फंड से, स्पॉन्सरशिप मिलती है निर्भया फंड से इसको, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाए जाते हैं इसको। महिलाओं को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, उन्हें काउंसलिंग देना हो, उन्हें आवास छोटा सा शेल्टर मुहैया कराना हो, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी हो उनकी, मनोवैज्ञानिक कोई संकट उनके ऊपर आ गया है, मेडिकल मदद करनी हो, पुलिस की मदद करनी हो, तो पुलिस असिस्टेंट हो या मेडिकल एड हो या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो या लीगल काउंसलिंग हो, ये उन्हें दी जाती है महिलाओं को यहाँ पर। तो यहाँ की तीन चार बातों में महिलाओं को, जो प्रताड़ित महिलाएँ हैं, समस्या महिलाएँ हैं, विमेन इन स्ट्रेस हैं, उनको यहाँ सुविधाएँ दी जाती हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय सुविधाएँ दे रहे हैं महिलाओं को हम लोग अलग प्रकार की। यहाँ पर यह है आपका OCS या वन सेंटर निर्भया फंड का चल रहा। आगे बढ़ेंगे आपके साथ। भरोसा, ऑनलाइन लिखेंगे, भरोसा स्कीम, भरोसा स्कीम, भरोसा स्कीम लॉन्च की गई है हैदराबाद सिटी पुलिस द्वारा। भरोसा योजना लॉन्च किया गया हैदराबाद सिटी पुलिस के द्वारा, इसे हैदराबाद सिटी पुलिस के द्वारा, जो वर्नेबल सेक्शन है महिला और बच्चों का, उनमें विश्वास को बढ़ावा देने के लिए, पुलिस को ट्रस्ट कर सकें, पुलिस से अच्छी दोस्ती कर सकें वो लोग, और समझाने के लिए भरोसा योजना, पुलिस पर विश्वास को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है इसे। याद रखिएगा, सहयोग कर रहा है इसमें हैदराबाद पुलिस का UNDP, UNDP सपोर्ट कर रहा है हैदराबाद पुलिस का, इसमें सपोर्ट करेगा UNDP हैदराबाद सिटी पुलिस का इसके अंतर्गत। तो भाई ये बात हमारी यहाँ पर चलिए, थर्ड कवर पे आएंगे, महिला बच्चों के लिए, केवल महिला बच्चों के लिए है ये। बेसिकली मार्जिनलाइज सेक्शन सोसाइटी का जो होता है, वर्नेबल सेक्शन होता है, महिला और बच्चे उनकी बात हो रही है स्पेशली यहाँ पर। समर्थ, वन लाइन लिखेंगे, समर्थ, समर्थ, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का एक मिशन है, समर्थ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का मिशन है, क्षमता निर्माण करने के लिए, अपनी भाषा में कहा जाए स्किल डेवलपमेंट के लिए। समर्थ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का एक मिशन है, एक कार्यक्रम है समर्थ नाम का, स्किल इंडिया या स्किल को बढ़ावा देना, टेक्सटाइल वर्कर्स में क्षमता निर्माण करना, में हो भाई बात, तो स्किल एम्पावरमेंट का मिशन है ये समर्थ नाम से। समर्थ बनाना उनको, जो खासकर हैंडलूम चला रहे हैं, हथकरघा चला रहे हैं, उनको पावर लूम की ट्रेनिंग दी जाए, मशीन पे कैसे काम करते ट्रेनिंग दी जाए, इससे वो खुद की मशीन लगाकर रोजगार को बढ़ा सकें, आय को बढ़ा सकें, समर्थ नाम की स्कीम। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, नेक्स्ट पॉइंट, INSV तारिणी, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, या जहाज कहा जाए असेंबली भाषा में, तारिणी, ऑल वुमेन क्रू, सब महिला इसमें सदस्य थी इस पर। INS तारिणी, सागर परिक्रमा पूरी की इसने, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया इसने, INSV तारिणी, लिखिए वन लाइन में, INSV तारिणी, सभी महिला सदस्य थी इसके अंदर, चालक सदस्य महिला थी इसके अंदर, और इसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, समुद्र का चक्कर लगाया इसने, नाविक सागर परिक्रमा पूरी की इसने अपनी, तो INSV तारिणी याद रखेंगे, INSV तारिणी, इंडियन नेवल शिप वेसल या सेलर वेसल बोलते हैं हम लोग, भारतीय नेवी का या नौसेना जहाज है ये, इंडियन नेवल सेलर वेसल्स, INSV तारिणी। हेड मंगेरा, आयरलैंड में किया गया गर्भपात को लेकर एक रेफरेंडम, एक जनमत संग्रह, आयरलैंड में गर्भपात पर जनमत संग्रह, आयरलैंड में गर्भपात पर जनमत संग्रह, अबॉर्शन रेफरेंडम इन आयरलैंड। सुन लीजिएगा, अब तक आयरलैंड में अबॉर्शन प्रतिबंधित था, किसी प्रकार से वहां पर अबॉर्शन नहीं किया सकता था, भले ही माता की जान खतरे में क्यों ना हो, लेकिन इसको बदला गया है, अब रेफरेंडम कराया गया वहां पर, और तो पुराना काम तो खत्म कर दिया गया, नहीं अब अबॉर्शन संभव है वहां पर। तो इंडियन, याद रखें कुछ साल पहले एक इंडियन की मृत्यु हुई थी वहां पर, एक महिला की मृत्यु हुई थी,
उसे प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी थी लेकिन अबॉर्शन नहीं कराने दिया गया और महिला की मौत हो गई थी, भारतीय मूल की थी। उसके बाद प्रोटेस्ट पकड़ा वहां पर ये, और फाइनली आयरलैंड ने रिफॉर्म कर लिया अपने कानून में अब, और वहां पर यदि महिला की जान खतरे में है तो उस केस में अबॉर्शन संभव हो सकता है। भारत में कैसा है अबॉर्शन का हमारे यहाँ पर? याद रखिए हमारे बकायदा एक एक्ट है, बकायदा यदि कहा जाए तो आप अबॉर्शन पॉसिबल है हमारे यहाँ पर, और इसके लिए लीगल एंटिटी या लीगल एग्रीमेंट लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है 20 सप्ताह से पहले। अगर 20 वीक का फोर्टिस हो जाता है, 20 वीक का हो जाता है अगर मुझे कहना चाहिए शिशु, तो उस केस के बाद गर्भपात नहीं किया जाएगा, उसी केस में किया जाएगा 20 हफ्ते के बाद जहां पर परमिशन ली गई हो कोर्ट से। कुल मिला के गर्भपात अलाउ है भारत में, याद रखना है आपको, यहाँ पर आयरलैंड में नहीं था, चेंज किया गया आयरलैंड में और बदल दिया गया इस नियम को। याद रखिएगा आयरलैंड का 8वां संशोधन हटा दिया गया इसके जरिए, 8 अमेंडमेंट हटा दिया गया है, द रिप्लेस द 8 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का 8वां संशोधन हटा दिया गया इसके जरिए, 8वां संशोधन हटा दिया गया है जिसे जोड़ा गया था 83 में, जिसे जोड़ा गया था 1983 में, 8वां संविधान संशोधन जो जोड़ा गया था 83 में उसने प्रतिबंधित किया गया था अबॉर्शन को, अब हटा दिया गया है। तो 8वां संविधान संशोधन हटा दिया गया संविधान से वहां पर, जोड़ा गया था 1983 में। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे आपके साथ। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश में बना देश का पहला फर्स्ट स्मार्ट सिटी कंट्रोल सिस्टम। देखेंगे मध्य प्रदेश में बना देश का पहला एकीकृत नियंत्रण और कमांड केंद्र ICCC। मध्य प्रदेश में बना देश का पहला एकीकृत नियंत्रण एवं कमांड सेंटर ICCC। मध्य प्रदेश में बना देश का पहला एकीकृत नियंत्रण और कमांड सेंटर, बेसिकली ये जो स्मार्ट सिटी बन रहे हैं MP में उसको एक उसका प्रोसेसिंग सेंटर होगा एक प्रकार से, वहां से कमांड देंगे ये लोग, नजर रख पाएंगे स्मार्ट सिटी के ऊपर। देखेंगे इस केंद्र के जरिए स्मार्ट शहरों पर नजर रखी जा सकेगी, निगरानी की जा सकेगी, स्मार्ट शहरों पर निगरानी की जा सकेगी, स्मार्ट की जा सकेगी। भाई ये बात यहां पर इसे IoT प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, इसे IoT के आधार पर तैयार किया गया है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आधार पर तैयार किया गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आधार पर तैयार किया गया है बेस्ड ऑन IoT प्रिंसिपल। याद रखेंगे बना है भोपाल में ये सेंटर, भोपाल में बनाया गया सेंटर ये ICCC। चलिए हेड मांगे नई IPS नई सेवा UPSC के अधिकारियों के लिए, IPS नया कैडर, IPS कैडर, IPS इंडियन पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी सर्विस नया कैडर है ये बनाया गया है, कैडर एक सर्विस है ये बनाई गई है पेट्रोलियम सेफ्टी के लिए, इंडियन पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी सर्विस IPS, ये नई ए ग्रेड सेवा है, पहली श्रेणी की सेवा है जो तैयार की गई है, इंडियन पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी सर्विस IPS, पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत होगी सेवा ये, पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत होगी, टेक्निकल ग्रेड सर्विस होगी ये जो IES के द्वारा भरी जाती हैं सेवाएं, जो इंजीनियरिंग सर्विस द्वारा भरी जाती सेवाएं हैं उससे भरा जाएगा, से इंजीनियरिंग सर्विस द्वारा भरा जाएगा इस टेक्निकल सर्विस को IPS को। कैडर सेवाएं जारी की गई है पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत, IPS नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट, इंडियन फार्माकोपियो कमीशन, थोड़ा देख लीजिए इसका नाम, स्पेलिंग देख लीजिएगा, इंडियन फार्माकोपियो कमीशन, इंडियन फार्माकोपियो कमीशन आपकी स्क्रीन पर सबसे ऊपर, इंडियन फार्माकोपियो कमीशन सुन लीजिए वन लाइन इसके बारे में। एक एक्ट चलता है हमारे यहाँ पर, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब का है ये, 1940 का, इसके तहत बनाया गया कमीशन है ये, इसके तहत बनाया गया कमीशन, ये कमीशन चेक करता है कि जो ड्रग ट्रायल करते हैं जानवरों पर हम लोग वो ठीक है क्या नहीं, वो नैतिकता में आती है या नहीं, तो पशुओं पर होने वाली ड्रग ट्रायल पर निगरानी करता है ये ड्रग IPC फार्माकोपियो कमीशन, अप्रूवल देता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इसने हाल ही में 2 टेस्ट पर बैन लगा दिया जो पशुओं पर होते थे, 2 टेस्ट बैन लगा दिया इसने, पायरोजेन टेस्ट और एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी टेस्ट, इससे जानवरों को नुकसान होता, जानवरों को पीड़ा होती थी काफ़ी, तो एनिमल राइट्स पैटा ने सरकार को शिकायत की थी इस बारे में, और पैटा की शिकायत पर IPC ने हटा दिया इन टेस्ट को, अब ये इसकी जगह बैक्टीरियल टेस्ट लेंगे जो थोड़ा आसान होते हैं, तकलीफदायक नहीं होते हैं। तो लाइन जोड़ लीजिएगा IPC फॉरवर्ड लिखिंग स्पीड में, IPC का गठन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 तहत किया गया है, IPC बोल रहा हूँ शॉर्ट में, इंडियन फार्माकोपियो कमीशन, इसका गठन
1940 के ड्रग्स एक्ट के तहत किया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके द्वारा पायरोगेन टेस्ट और एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी टेस्ट को समाप्त कर दिया गया है। पायरोजेन टेस्ट और एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी टेस्ट को समाप्त कर दिया गया है जो जानवरों पर किए जाते थे, ड्रग ट्रायल ऑन एनिमल्स जो जानवरों पर किए जाते थे, पायरोजेन टेस्ट और एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी टेस्ट बंद कर दिए गए हैं जो जानवरों पर किए जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी जगह अभी लेकर आएंगे, आसान टेस्ट लेकर आए हैं ये, जिसकी मुश्किल नहीं हो कहीं ना कहीं, एनिमल फ्री टेस्ट लेकर आए हैं कहीं ना कहीं ये लोग, जानवरों पे किए जाएंगे, लेकिन जानवरों पे नहीं गए, बैक्टीरिया पे किया जाएगा उसको, अब तो बैक्टीरिया पे किया जाएगा जो निश्चित तौर मुश्किल नहीं होंगी, क्योंकि इन टेस्ट से जीवों को नुकसान होता था, इसे बैन कर दिया गया है। और भाई बात हमारी यहाँ पर पायरोगेन टेस्ट, दो टेस्ट याद रखिएगा, जानवर पर होते थे ये। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना नेक्स्ट देखेंगे, रिविजन क्लास चल रही है, स्पिन करते हैं हम लोग काम। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, व्यय वंदना योजना क्या है ये, ये प्रधानमंत्री साहब ने लॉन्च किया था, लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था इसको। 60 प्लस होने पर पेंशन देने की बात कही गई थी इसके अंदर, इसके लिए आप कंट्रीब्यूशन करेंगे जिंदगी भर, और 60 साल का होने पर आपको पेंशन दी जाएगी। लिखेंगे रहा, सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन स्कीम है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन स्कीम है जो LIC द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। LIC द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, सीनियर सिटीजन की पेंशन स्कीम है जो LIC द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, इंप्लीमेंट की जाती है। जिसमें निवेश की सीमा 15 लाख कर दी गई है, निवेश की सीमा 15 लाख तक कर दी गई है। ये 15 लाख जमा करते हैं तो आपको इंश्योरेंस पेंशन मिलती रहेगी जिंदगी भर 60 साल होने के बाद। यहाँ 15 लाख तक जमा कर सकते हैं, उसके बाद एक लंबी चौड़ी आपको पेंशन मिलेगी जिंदगी भर सीनियर सिटीजन के रूप में। तो भाई ये बात, यहाँ पर 10 साल के लिए पेंशन मिलती है और आप जिंदा रहे तो आपको पूरा अमाउंट लौटा देता है इंटरेस्ट, तो अच्छी बात होती है इसमें। अगर 10 साल बाद आपने लिया पेंशन को, मान लीजिए आपको जो पैसा मिला एंड ऑफ द रिटायरमेंट आपने पूरा जमा कर दिया एक जगह पर, तो आपको पेंशन देते रहेंगे लोग साथ, और 10 साल अगर जीवित रहे उसके बाद आप, तो 10 साल पूरा पैसा लौटा दिया जाएगा विद इंटरेस्ट, तो अच्छी बात है अपने आप में ये, तो एक गारंटी स्कीम एक प्रकार की यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम याद रखिएगा, ये प्रोग्राम पुराना प्रोग्राम का नया नाम है, ये एक प्रोग्राम चलता हमारे यहाँ पर MSDP नाम का, सुन लीजिए, एक प्रोग्राम था हमारे यहाँ पहले MSDP नाम का, MSDP बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता था हमारे यहाँ पर, एक माइनॉरिटी जिलों के लिए, माइनॉरिटी ब्लॉक्स के लिए, जहाँ पर अल्पसंख्यक आबादी अधिक है उन इलाकों के लिए चलता था। MSDP 2008 में लॉन्च किया गया था, इसी का नया नाम हो गया है PMJV के दौरान, जोड़ लीजिएगा, माइनॉरिटी इलाकों में चल रहे, अल्पसंख्यक इलाकों में चल रहे परियोजना का नया नाम है, अल्पसंख्यक इलाकों में चल रही MSDP का नया नाम है, अल्पसंख्यक इलाकों में चल रही MSDP का नया नाम है ये। MSDP का नया नाम है ये PMJV के, ये दोस्त मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आता है, सिंगल विंडो पोर्टल होता है, सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है, जो भी स्कीम चल रही है माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए एक तरीके सबको दी जाती है, मतलब एक DM साहब कमेटी होती है, वहीं पर अधिकारी होगा हेल्थ का, वहीं पर होगा बाकी डिपार्टमेंट के होंगे, सिंगल विंडो इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कीम टू माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के लिए चल रही सभी सरकारी योजनाओं को एकल खिड़की द्वारा दिया जाता है, यानी एक डिपार्टमेंट सब सारी योजना देगा आपको वहाँ पर MSDP के तहत। तो जन विकास कार्यक्रम माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में चलता है, अल्पसंख्यक जिलों में चलता है, जहाँ पर अल्पसंख्यक आबादी अधिक है, अल्पसंख्यक आबादी पर्याप्त मात्रा में है। पढ़ पाएंगे हम लोग यहाँ से आगे, चलिए प्लीज आगे बढ़ते हैं स्पीड में। बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 की बात करें आपके साथ, जैव ईंधन नीति 2018 लॉन्च की गई थी मई महीने में, बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 सुन लीजिए, इसके अंदर की पॉइंट्स क्या है बायोफ्यूल पॉलिसी में आपके साथ। बायोफ्यूल पॉलिसी जारी की गई थी मई महीने में और इसके की पॉइंट्स दिखा दूं मैं आपको यहाँ पर, इसके जो की पॉइंट थे बायोफ्यूल पॉलिसी के आपके, पहला पॉइंट तो ये था इसमें कि देश में फर्स्ट जनरेशन के अलावा सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल को बढ़ावा दिया जाएगा। पॉइंट लिख लीजिएगा, फर्स्ट जनरेशन के अलावा सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल को प्रमोट किया जाएगा,
फर्स्ट जनरेशन के अलावा सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल को बढ़ावा दिया जाएगा, बायोफ्यूल को बढ़ावा दिया जाएगा। फर्स्ट जनरेशन को कहा जाएगा आधारभूत जैव ईंधन, बेसिक बायोफ्यूल्स फर्स्ट जनरेशन कहा जाएंगे, आधारभूत जैव ईंधन। याद रखिएगा फर्स्ट जनरेशन मतलब क्या होता है, गन्ने से या फसलों से या मक्के से प्राप्त करना बायोफ्यूल, तो उसे कहते हैं हम लोग आधारभूत जैव ईंधन, फर्स्ट जनरेशन जैव ईंधन या आधारभूत जैव ईंधन या बेसिक बायोफ्यूल्स जो बनते हैं गन्ने या मक्के से। सेकंड जनरेशन में आते हैं, या मुझे कहना चाहिए सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन को मिलाकर कहते हैं हम लोग विकसित जैव ईंधन। सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन मिलाकर होती है विकसित जैव ईंधन, सेकंड और थर्ड को मिलाकर कहते हैं विकसित जैव ईंधन डेवलप बायोफ्यूल्स। सुन लीजिए, सेकंड जनरेशन किससे बनता है, सेलुलोज या वेस्ट से या कचरे से, देख लीजिए एक बार यहां पर, तो सेकंड जनरेशन फ्यूल बनता है आपका किससे, कचरे से बनाना हो, लकड़ी से बनाना हो जैव ईंधन, उसमें सेलुलोज को मिलाकर आपका उससे बना रहे हैं बायोफ्यूल आप। और थर्ड जनरेशन बनता है आपका समुद्री उत्पादों से, एल्गी से, शैवाल से बनता है थर्ड जनरेशन में। तो सेकंड और थर्ड, सेकंड बनता है लकड़ी या कचरे से और थर्ड बनाते हैं आप शैवाल या एल्गी से। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं हम लोग एडवांस बायोफ्यूल और ये होता है बेसिक बायोफ्यूल। ये रखिएगा आइडेंटिफाई किया गया है बेसिक और एडवांस में, आधारभूत और विकसित में। आगे बढ़े हम लोग यहाँ से स्पीड में, आगे बढ़ेंगे स्पीड में। तो सेकंड और थर्ड सामने देख लीजिए एक बार, अपनी नजर मार लीजिएगा, सेकंड और थर्ड, सेकंड लकड़ी से और कचरे से, थर्ड वाला समुद्री उत्पादों से। पहला वाला बनता था गन्ने मक्के या पाम ऑयल आदि से बनता था आपका। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, याद रखिएगा इसमें कहा गया है कि बायोफ्यूल का जो कच्चा माल है बायोफ्यूल के लिए उसका दायरा बढ़ाया गया है। अब बायोफ्यूल बन सकता है गन्ने के रस से बनता ही था, चीनी से बनता ही था, स्टार्च भुट्टा या जो कॉर्न होता है, या जो तेल कुक्ड ऑयल हो जाता है पका लेते हैं इसके अंदर हम लोग, उससे बनाना हो, सड़े हुए अनाज या चावल से, गेहूं से, इससे बना सकते हैं हम लोग बायोफ्यूल को। यानी कुल मिलाकर जो अनाज सड़ता है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर, उसका प्रयोग कर पाएंगे हम लोग बायोफ्यूल में आप। तो गेहूं, चावल, आलू सड़ जाते हैं जो, उसका प्रयोग कर पाएंगे एथेनॉल बनाने में हम लोग। ये कहा गया इस पॉलिसी में। और क्या है इस पॉलिसी में, मैं लिखवा दूंगा आपको यहाँ पर। इसके अलावा उन्होंने कहा है यहाँ पर कि देश में बनाई जाएंगी सेकंड जनरेशन बायो रिफाइनरीज, जहाँ कचरे से या लकड़ी से बनाया जाएगा बायोफ्यूल। सुन लीजिए, लिखिएगा सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल रिफाइनरी बनाई जाएंगी, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल रिफाइनरी बनाई जाएंगी, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल रिफाइनरी बनाई जाएंगी, जहां लकड़ी से या फसलों के अपशिष्ट जो समस्या होती है पंजाब हरियाणा में हमारे यहां पर, उन फसलों के अपशिष्ट से बनेगा बायोफ्यूल यहां पर, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन एथेनॉल बायो रिफाइनरी बनेगी देश के अंदर। इसके अलावा कुछ खास बात इसमें, किसानों की आय बढ़ेगी, दैट्स इट। उड़ीसा में लगाइए दोस्त, उड़ीसा में लोकेशन उसका जी पर कुछ नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, गढ़पाड़ा ऐसे कुछ नाम उसका है। चलिए, बारह बननी है, ऐसे तो बारह बननी है, एक उत्तराखंड बन चुकी है पहले, इससे पहले दूसरी बनाई गई बठिंडा में, तीसरी बनी है उड़ीसा में, बारह बनेंगी ऐसे। आगे बढ़ेंगे लोग यहाँ से, बायोफ्यूल पॉलिसी पूछ सकता है, ध्यान रखिए क्वेश्चन लगता है बायोफ्यूल इस बार आना चाहिए, तैयार रहिए बायोफ्यूल पर चीज़ों को लेकर। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, बायोफ्यूल के बाहर आएंगे, पोषण अभियान लिख चुके हम लोग 8 मार्च की क्लास में, पोषण अभियान नया नाम रख दिया गया उसको मिला के, उसका नाम था राष्ट्रीय पोषण मिशन, उसका नाम कर दिया गया पोषण अभियान एक महीने बाद। लक्ष्य में लिखवा चुका हूँ आपको 2% 3% कम करना, मार्च वाली क्लास में हम लिखा है, देख लीजिएगा। पहली खेल यूनिवर्सिटी मणिपुर में, देश की पहली खेल यूनिवर्सिटी मणिपुर में स्थापित की गई है, देश की पहली खेल मणिपुर इम्फाल में तैयार की गई है, मणिपुर इम्फाल में तैयार की गई है पहली खेल यूनिवर्सिटी देश की। नेक्स्ट, भारत इंक्लूजन सीट फंड, नेक्स्ट है भारत इंक्लूजन सीट फंड, भारत इंक्लूजन सीट फंड तैयार किया गया है, भारत इंक्लूजन सीट फंड क्या है ये सुन लीजिए, आई एम अहमदाबाद द्वारा तैयार किया गया है, आई एम अहमदाबाद द्वारा तैयार किया गया है। उद्देश्य है स्टार्टअप को फाइनेंस देना, स्टार्टअप को मदद देगा ये फंड, आई एम अहमदाबाद द्वारा तैयार किया गया है, स्टार्टअप को फंड देगा ये, स्टार्टअप को निवेश देगा ये, इस फंड में सहयोग कर रहे हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और दुनिया भर के कुछ एनजीओ जुड़े हैं इसके साथ, इस फंड को सहयोग कर रहे हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
और अन्य संस्थान तो बनाया आईएमए अहमदाबाद ने, मदद करेगा स्टार्टअप को और इसे फंड दे रहे हैं कौन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, दुनिया के अन्य फाउंडेशन मदद कर रहे हैं इसके लिए। तो देश में चार को बढ़ावा देने के लिए भारत इंक्लूजन सीड फंड स्थापित किया गया। नाम याद पाएंगे हम लोग, सीड फंड होते ही जानते हैं हम लोग, सीड फंड क्या होते हैं, जो स्टार्टअप को फाइनेंस करते हैं। तो भारत इंक्लूजन सीड फंड आई एम अहमदाबाद याद रखेंगे मदद करेगा इसको बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बढ़ेंगे आगे हम लोग यहाँ से, नेक्स्ट उमंग ऐप, उमंग ऐप वन लाइन उमंग ऐप, ये एक ऐप तैयार की गई है। बेसिकली ये नाम ही इस पर पॉइंट कर देगा आपको, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। सामान्य भाषा में जितनी ऐप चलती हैं, आपकी अलग अलग चलती हैं, इंश्योरेंस की, किसान के लिए, स्कूल के लिए, सब सिंगल पोर्टल पर क्लिक करेंगे खुल जाएगा पूरा, एजुकेशन, फसल, ये वो, फिर आपको बीमा की देखनी है बीमा पर क्लिक करिए, आपको देखना बैंक का बैंक पर क्लिक कीजिए, यानी कि सारी एप्लीकेशन यूनिफाइड सबको एक जगह पर लेकर आ गए। तो सभी एप्लीकेशन भारत सरकार की गवर्नेंस संबंधित हैं वो सिंगल पोर्टल पर आ गई हैं उमंग ऐप में। तो उमंग ऐप एक सिंगल पोर्टल है देश की सभी पोर्टल्स को या सभी गवर्नेंस ऐप को देखने का, लेकिन जब खोलेंगे इसको तो आपको पता लगेगा इसके अंदर बहुत सारा उलझापन है, बेहतर ना देखा जाए। उमंग ऐप याद रखिए, बस उमंग ऐप। कॉमन सर्विस सेंटर जानते ही हम लोग हैं, बात हो चुकी है। इलाका चर्चा मेरा गिलगित बाल्टिस्तान का, गिलगित बाल्टिस्तान को क्या किया पाकिस्तान ने, अपना एक प्रांत, अपना एक प्रोविंस घोषित कर दिया है अब, जिससे पाकिस्तानी संसद और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार सीधे लागू होगा। पहले वो एक स्वायत्त रीजन था, एक अलग कंट्री का पार्ट था, पीओके का भाग, आजाद कश्मीर भाग मानते थे उसको वो लोग। बता दूं मैं आपको, यहाँ पर जो इलाका है पाकिस्तान के पास, भारत का पीओके वाला, दो भागों में बांटते थे हम लोग उससे, एक था पाकिस्तान बांटता है, एक आज़ाद कश्मीर कहता है उसे वो, और एक कहता था गिलगित बाल्टिस्तान, लेकिन ये पूरा मानता था आज़ाद कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, रूल एक ही गवर्नमेंट करती थी आज़ाद कश्मीर की। भारत कहता है ये पीओके पूरा का पूरा, हम कहते हैं पीओके पूरा का पूरा। पाकिस्तान ने क्या किया है, जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है इसे दे दिया है एक प्रांत का दर्जा, प्रोविंस का दर्जा मिल गया मेन पाकिस्तान में, यानी अब आज़ाद देश केवल रह गया, इतना से रह गया आज़ाद कश्मीर, ये इलाका मान लिया गया प्रांत यहाँ पर। तो गिलगित बाल्टिस्तान बना दिया पाकिस्तान ने एक प्रोविंस, जिसे पाकिस्तानी संसद, सुप्रीम कोर्ट अधिकार कर पाएगी, नियमदारी कर पाएगी। दोनों जोड़ लीजिएगा, गिलगित बाल्टिस्तान को दिया गया एक प्रांत का दर्जा, एक प्रोविंस का दर्जा दिया गया है, गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के एक प्रांत का दर्जा दिया गया है, गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के एक प्रांत का दर्जा दिया गया है, प्रांत का दर्जा दिया गया है। तो भाई ये बात फायदा क्या होगा, वहां की सुप्रीम कोर्ट, वहां की संसद इस पर सीधे आप अनाउंस ना पाएगी। हेड मांगे सीएलएमवी कॉन्क्लेव, सीएलएमवी कॉन्क्लेव, सीएलएमवी नाम है चार देशों की, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, सीएलएमवी, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, सीएलएमवी, सीएलएमवी कॉन्क्लेव, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, चार देशों का एक कॉन्क्लेव है, भारत मदद करता है, तो भारत पार्टनरशिप करते हैं चारों देश, सीएलएमवी, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, वियतनाम, इनके बीच भारत से चर्चा होती है, भारत के साथ सहयोग किया इन देशों ने, ये हर साल कॉन्क्लेव होता है भारत के साथ मिलकर इनका, इंडिया और सीएलएमवी देशों का कॉन्क्लेव होता है। याद रखिए भारत मदद कर रहा है इन देशों की, इन देशों से आने वाला माल फ्री ट्रेड चलता है हमारे यहाँ पर, सीएलएमवी को छूट मिलती है एक्स्ट्रा, सीएलएमवी देशों को छूट मिलती है हमारी तरफ से एक्स्ट्रा, इनका माल अतिरिक्त रूप से कोई शुल्क नहीं लगता उसके ऊपर, सीएलएमवी इंडिया के कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। भाई ये बात यहाँ पर आसियान के भाग हैं चारों ये, हालांकि आसियान से फ्री ट्रेड है हमारा, लेकिन इनके लिए ज़्यादा रियायत इन देशों के लिए मुकाबले में आसियान के। तो लाओस, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, आगे बढ़ पाएंगे हम लोग यहाँ से। सीएलएमवी कॉन्क्लेव, हेग कन्वेंशन वाला लिखेगा, हेग कन्वेंशन दुनिया में जाना जाता है बच्चों को गोद लेने संबंधित, अबडक्शन ऑफ या बच्चों को गोद लेने के जाना जाता है हेग कन्वेंशन, दोनों जोड़ लीजिएगा, हेग कन्वेंशन, बच्चों को गोद लेने के संबंधित नियम तैयार किए गए हैं, बच्चों को गोद लेने संबंधित नियम तैयार किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटर कंट्री रेगुलेशन, बच्चों को गोद लेने संबंधित नियम तैयार किए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर हेग कन्वेंशन के अंतर्गत, हेग कन्वेंशन, बच्चों को गोद लेने संबंधी नियम तैयार किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि भारत मेंबर नहीं है कन्वेंशन का। वन लाइन मिशन इनोवेशन, हट नाएंगे रा, मिशन इनोवेशन, मिशन इनोवेशन, मिशन इनोवेशन, ये इंपॉइंट रहेगा इस बार के लिए, हालांकि दूसरा पुराना कॉन्सेप्ट है ये मिशन इनोवेशन, सुन लीजिए। दुनिया के 23 बड़ी देश एक साथ आए हैं
वो चाहते हैं ऊर्जा एफिशिएंसी को बढ़ाना, वो चाहते हैं नई नई चीज़ पर रिसर्च करना, वो चाहते हैं सोलर पावर पर, विंड पावर पर, बायोफ्यूल पर, स्मार्ट ग्रिड पर रिसर्च करना, और वो देश फंड करेंगे उन देशों को जो इस चीज़ में लीडिंग कंट्रीज, इंडिया सोलर पावर अच्छा कर रहा है, सोलर पावर में इंडिया अच्छा कर रहा है, स्मार्ट ग्रिड में इंडिया अच्छा कर रहा है, किसी और सेक्टर में, तो ये सब मिलकर फंड देंगे इंडिया को। आप और रिसर्च कीजिए, बनाइए तकनीक और हम लोगों को शेयर कीजिए हमारे साथ। मिशन इनोवेशन नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा शेयरिंग बेसिस पर। तो सुन लीजिए एक बार इसके बारे में, मेरा मिशन इनोवेशन काम कर रहेगा इस बार के लिए। वन लाइन सुन लीजिए मिशन इनोवेशन के बारे में, कॉन्सेप्ट क्या मिशन इनोवेशन का। कॉन्सेप्ट ये है, 15 में लॉन्च किया गया पेरिस सम्मेलन के दौरान, इससे मिशन इनोवेशन को, पहली मीटिंग 16 में हुई थी इसकी, 15 में लॉन्च किया पेरिस कन्वेंशन के दौरान मिशन इनोवेशन को। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट था 2016 से, सुन लीजिए 2016 से अगले 5 सालों तक निवेश को बढ़ाया जाएगा R&D पर या हरित तकनीकों पर निवेश बढ़ाया जाएगा। कितना, डबल कर देंगे अगले 5 सालों में। यदि नॉर्मल निवेश होता जैसे चल रहा था तो निवेश होता लगभग $75 बिलियन का, डबल करते जाएंगे तो पहुंच जाएंगे हम लोग लगभग 35 एक्स्ट्रा निवेश और कर देंगे, यानी 5 सालों में जो निवेश यहां पर है उसके मुकाबले डबल करना है 5 सालों तक। मान लीजिए यहां पर निवेश हुआ है लेट से $15 अरब का, यहां करना है 30 का, तो 15 से 30 पहुंचना है, 15, 18, 21, 24, 27 और फिर 30, तो ऐसे करके बढ़ाएंगे समय के साथ ये लोग। तो $15 निवेश हो रहा था यहां पर हर साल, अब यहां होगा हमारा हर साल लगभग $30 अरब का निवेश। वो भाई बात यहां पर, तो अगले 5 सालों में हरित तकनीकों पर R&D पर, क्लीन एनर्जी R&D पर डबल निवेश किया जाएगा 5 सालों में। ये है मिशन निवेश। और एक चीज़ और जोड़ ध्यान सुनिएगा, इसके लिए कुछ देश अच्छा काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ में, जैसे क्या इनोवेट R&D किस पर करना है, R&D करेंगे जैसे बायोफ्यूल पर, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी पर, स्मार्ट ग्रिड पर, या फिर क्लीन एनर्जी मटेरियल्स पर, या अफोर्डेबल हीटिंग पर, व्हाटएवर जैसा सेक्टर छाटे गए हैं। जो देश अच्छा कर रहे हैं सेक्टर्स में, मान लीजिए इंडिया से बायोफ्यूल में, इंडिया अच्छा कर रहा है बायोफ्यूल में, तो इंडिया को सब देश सहायता करेंगे यहाँ पर। इंडिया अच्छा कर रहा है लेट से ऑफ ग्रिड सोलर पावर में, इंडिया को सहायता करेंगे। इंडिया मदद कर रहा है स्मार्ट ग्रिड में, तो इंडिया को सहायता देंगे। तो सब देश इंडिया को सहायता देंगे, से इंडिया निवेशित कर सके और इंडिया जो बनाएगा वो बाकी देशों के साथ शेयर करें। क्लियर मुझे यहाँ पर 2 पॉइंट, मिशन डबल करना या टारगेट डबल करना और सपोर्ट करना R&D के लिए, 2 पॉइंट यहाँ पूछ सकता है मिशन इनोवेशन, ये पूछा नहीं गया 2-3 सालों में, बन सकता है। लेकिन मिशन इनोवेशन पर कुछ बातें, मिशन इनोवेशन 23 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, 22 लिखा है इसमें 23 कर लीजिएगा, मिशन इनोवेशन 23 देश प्लस EU शामिल है इसमें, 23 देश प्लस EU शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्लीन एनर्जी पर R&D को बढ़ाना उद्देश्य है, क्लीन ऊर्जा या स्वच्छ ऊर्जा पर R&D को बढ़ाना उद्देश्य है, क्लीन ऊर्जा पर R&D को बढ़ाना उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट, 2016 से 21 के बीच R&D को डबल, R&D इन्वेस्टमेंट को डबल किया जाएगा, 2016 से 21 के बीच R&D निवेश को डबल किया जाएगा 15 से 30, 2016 से 21 के बीच में R&D पर होने वाले निवेश को डबल किया जाएगा। वो भाई ये बात। और लास्ट पॉइंट, भारत को 7 में से 3 क्षेत्रों में प्रायोरिटी कंट्री या प्राथमिक देश माना गया है, भारत को 7 में से 3 क्षेत्रों में प्राथमिक देश माना गया है। देख लीजिए 3 कौन-कौन स्पीड मेरा, पहला है स्मार्ट ग्रिड, दूसरा ऑफ ग्रिड सोलर पावर और तीसरा बायोफ्यूल। फिर सुन लीजिए, स्मार्ट ग्रिड, दूसरा ऑफ ग्रिड सोलर पावर और तीसरा दैट वन इज बायोफ्यूल। 3 चीज़ों में एडवांस माना गया इंडिया को, स्मार्ट ग्रिड, ऑफ ग्रिड और बायोफ्यूल, याद रख पाएंगे तीनों हम लोग, मदद करेंगे देश हमारी सब मिलकर ये 22-23 प्लस EU। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, यहाँ पर हम चालू हो चुका है, मिशन इनोवेशन लॉन्च किया था पेरिस समिट के दौरान 2015 में, मिशन इनोवेशन लॉन्च हुआ था 2015 में, मीटिंग हुई थी 2016 में पहली इसकी, 16, 17, 18, 19 हर साल मीटिंग हो रही है इसकी। चलिए आगे बढ़ेंगे स्पीड मेरा, मिशन इनोवेशन रेट्स, रेट्स पढ़ते हम लोग, रेट्स क्या है, SCO जो संघाई सहयोग संगठन है उनका एक आतंक विरोधी गठजोड़ है, एक समूह है, देखिए वन लाइन में रेट्स, SCO देशों का, रेट्स SCO देशों का आतंक विरोधी संगठन है, आतंक विरोधी पहल है, जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया ताशकंद उज्बेकिस्तान में। रेट्स SCO देशों का एंटी टेरर ग्रुप है, आतंक विरोधी समूह है, मुख्यालय है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में,
इसका राइट्स का ना एसटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में होगा, सीधी बात है, नाम से स्पष्ट है। संघाई क्यों नहीं है? बीजिंग में का? चलिए रेड्स लिख लीजिएगा ऑनलाइन में। रेड्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बना है रेड्स का हेडक्वार्टर। याद रखिए अभी हाल में पाकिस्तान में मीटिंग हुई इसकी। रेड्स में जो मेंबर होता है, एक एक मेंबर को तीन तीन साल के लिए चेयरमैनशिप दी जाती है। पाकिस्तान मेंबर इस समय पाकिस्तान चेयरमैन लिखिएगा। रेड्स की मेंबरशिप या रेड्स की अध्यक्षता तीन साल के लिए दी जाती है। वर्तमान में पाकिस्तान इसका हेडक्वार्टर है, पाकिस्तान इसका हेड है और एससीओ का मुख्यालय होता है बीजिंग में। एससीओ क्या दोस्त? अध्यक्षता, हेड, हेड ऑफ रेड्स इज डेड फॉर थ्री इयर्स। तो हेडक्वार्टर बीजिंग में है शंघाई सहयोग संगठन का। तो भाई ये बात हमारी यहाँ पर चलिए। तो रेड्स ज्यादा की अलग चीज है, पार्ट है एससीओ का लेकिन अलग हेडक्वार्टर है। एक होता है वो पीस, मिशन पीस होता है इसका, एक पीस नाम से होगा, जब भी होगा एससीओ का पीस नाम से होगा। ऑनलाइन लिखेंगे रा इंडो पैकॉम, इंडिया पैसिफिक ओशियन कमांड, लिखेंगे रा इंडो पैकॉम, इंडिया पैकॉम, सुन लीजिए ऑनलाइन में। अमेरिका ने अपनी जो उसकी जो कमांड थी यहाँ पर इंडिया पैसिफिक ओशियन में, उसका नाम बदल दिया है और नाम कर दिया इंडो पैकॉम। पहले उसका नाम होता था यहाँ पर पैसिफिक कमांड था इसका नाम पहले, अब इसका नाम हो गया है इंडो पैसिफिक कमांड, इंडोकॉम लिखेंगे। अमेरिका की प्रशांत महासागर की कमांड का नाम, अमेरिका की प्रशांत महासागर की कमांड या सैन्य कमांड का नाम बदलकर इंडो पैकॉम कर दिया गया है। अमेरिका की प्रशांत महासागर कमांड का नाम बदलकर इंडो पैकॉम कर दिया गया है, इंडो पैकॉम कर दिया गया है। इंडो पैकॉम कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। पीआरएस स्कीम वाला लिखेंगे, पीआरएस स्कीम, पीआरएस स्कीम, हालांकि उसका काम के नहीं है, सुन लीजिए। परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस, स्थायी आवासीय दर्जा योजना, पीआरएस, परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस स्कीम, पीआरएस, स्थायी आवासीय दर्जा योजना। वाला में अच्छा कॉन्सेप्ट भारत सरकार का कि आप विदेशी हैं, निवेश कीजिए देश के अंदर, कितना, कम से कम 10 करोड़ 18 महीने के अंदर या 25 करोड़ 36 महीने के अंदर, और रोजगार पैदा कीजिए देश के अंदर। लगभग आप यहाँ पर 20 रोजगार पैदा कीजिए, कम से कम इंडियन को रोजगार मिले तो आपको भारत में रहने का अधिकार मिल जाएगा। आप भारत में घर खरीद सकते हैं, रह सकते हैं, यानी कि नागरिक तो नहीं बनेंगे, नागरिक जैसा दर्जा मिल जाएगा। कोई विदेशी इंडिया में रहना चाहता है, अगर पैसा खर्च करे इतना, वो निवेश करे इंडिया में, इंडिया में वो रोजगार पैदा करे, उसे दर्जा मिलेगा इंडिया में रहने का परमानेंट रेजिडेंट। उसे निकालेगा कोई नहीं, देश नागरिक नहीं बन पाएगा लेकिन स्थायी रूप से रहने का अधिकार मिल जाएगा। ऐसे नहीं वीजा पे आए जाना पड़ेगा उसको, वो रह सकता है इंडिया के अंदर परमानेंटली। जोड़ लीजिएगा, यदि कोई विदेशी भारत में 18 महीने में 10 करोड़ या 36 महीने 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट करता है, 18 महीने में 10 करोड़ और 36 महीने में 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट करता है और कम से कम 20 भारतीयों को रोजगार प्रदान करता है, और कम से कम 20 भारतीयों को रोजगार प्रदान करता है, तो उसे भारत में स्थायी रूप से रहने का अधिकार होगा। तो उसे भारत अधिकार होगा, होल्ड कर लेते हैं मेरे को।